Hello students, today we are going to start with a new topic, which is your past perfect continuous tense. So far we have completed with our present tense and now we are doing our past tense, and the last tense in the past tense is your past perfect continuous tense. So first look into the conditions, where do we use past perfect कंटिन्यूअस टेंस. पहले देखते हैं कि आखिर हम इसे यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूजेज है क्या. सो द फर्स्ट कंडीशन इज वी कैन से इट इज़ यूज टू गिव इंफॉर्मेशन. So, it is used to give information about a long continuous process that stopped in the past. That means, कोई काम ऐसा था जो काफ़ी समय तक past में चलता रहा, काफ़ी long time वो चला लेकिन वो रुक गया, लेकिन अभी अभी नहीं रुका. अगर हम कहेंगे कि वो अभी अभी रुका है, then it will be a present perfect continuous tense. But हम बात कर रहे हैं कि वो काम past में कुछ समय पहले रुक चुका है, लेकिन हम बात वहाँ सिर्फ उसके रुकने की नहीं करेंगे, बट बात कर रहे हैं उसके चलने की और फिर रुकने की. सो इन दैट केस वी यूज दिस. सो लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल. इफ आई से इट हैड बीन रेनिंग, यानी कि बारिश हो रही थी, मतलब अभी जब मैं उठी तब नहीं हो रही थी लेकिन पहले हो रही थी, और बारिश कुछ समय के लिए चली आपका. सो इट हैड बीन रेनिंग, जिस समय मैं लेट्स से मैं सुबह उठी और मैंने खिड़की से बाहर देखा, अरे बहुत पानी पानी है चारों तरफ, देर इज़ लॉट ऑफ वाटर लॉजिंग और सारा रोड्स वेट है, तो इसका मतलब बारिश हो रही थी. कब? रात को. लेकिन जब मैंने देखा वो रुक चुकी थी. राइट. सो इट हैड बीन रेनिंग. आई एम वेरी टायर्ड, आई वॉज टायर्ड. I was tired because I had been working hard all day. मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि मैं पूरा दिन बहुत ज़्यादा मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही थी. मे बी मुझे कल अपना रिपोर्ट सबमिट करना है या कल कोई प्रोजेक्ट है मेरा जो मुझे सबमिट करना है, उसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क कर रही थी. सो द थिंग इज़ आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड. तो हार्डवर्क मैंने पूरा दिन किया था, लेकिन जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ वो प्रोसेस रुक चुका है, उसकी बात वहाँ नहीं हो रही है. सो दिस इज़ योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. लेट्स लुक इनटू द अनदर कंडीशन, वेयर डू वी यूज़ अ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो द अनदर कंडीशन इज वी यूज़ इट विद द एक्शन, विद एनी एक्शन दैट स्टॉप्ड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन दैट ऑल्सो स्टॉप्ड इन द पास्ट. मीन्स दो एक्शन हुए, लो पहला एक्शन हुआ वो ख़त्म हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ. सो उस केस में जो हमारा पहला एक्शन है जिसकी जो रुक गया किसी कारण से, किसी दूसरे एक्शन की वजह से, उसके साथ हम हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं. लाइक इफ आई से लुइस हैड बीन पेंटिंग हर बेडरूम before she ran out of paint, right? तो लुई अपना बेडरूम जो है वो पेंट कर रही थी before she ran out of the paint, इससे पहले कि उसका पेंट खत्म हो गया. मतलब उसके पास जो भी पेंट था वो पेंट कर रही थी, but suddenly उसका जो पेंट था वो ख़त्म हो गया. सो शी हैड टू स्टॉप. तो उसका ये जो एक्शन है पेंटिंग का, वो कब रुका? जब उसका पेंट ख़त्म हो गया. सो यहाँ पर हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, एक है पेंट के ख़त्म होने की और रूम को पेंट करने. सो शी हैड बीन पेंटिंग द रूम बिफोर हर पेंट, यू नो शी रैन आउट ऑफ हर
paint. So, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो actions की जो simultaneously नहीं लेकिन one after another हुए. So, जो action हमारा पहले हुआ जिस जो stop हुआ because of the second action, उस केस में हम हमेशा past perfect continuous tense को use करते हैं. So, the past perfect tense is used for an action that stopped in the past before another action that also stopped in the past. दोनों action past में ही stop हुए लेकिन पहला action stop हुआ दूसरे की वजह से. So, with the first action we always use a past perfect continuous tense. So, now let's look into the formulas कि किस तरह से हम past perfect continuous tense को frame करते हैं. So, let's look into the formula or the sentence structure of the past perfect continuous tense. The first is your positive sentence, then negative and then interrogative. The sentence structure for this is subject plus helping verb, and the helping verb that we use in case of past perfect continuous tense, that is your had. So, rather than saying just a helping verb, we can also use here had, right? Had. After that, we will use been here and then the continuous ing form of the verb and your object. In some cases, in some situations, in some sentences, after the object, you can also use for or since to show the timings. Like if I say, you know, it had been raining for 3 hours. 3 ghante se barish ho rahi thi. So that also you can say, but I'll not say that we use it definitely in all the sentences, but in some sentences we do use them, right? So that's why I've just written it. If you want to use, you can use that. In case of a negative sentence, it is your subject. Then we have the helping verb had, then we use not, then been, then ing form of the verb with your object. And if for instance, then you can use it here. Then in case of interrogative, hame pata hai, hamesha hum helping verb ko pehle le jate hain. So it is had plus subject, then we have is been, then ing form, then object, then we have is for and since. Now, ab yahan par jaisa humne pehle bhi dekha tha present perfect ke case mein, yahan par jo been hum use kar rahe hain, it is just a joining word. Ye sirf ek word hai jo do tenses ko join kar raha hai. You can say a past perfect tense and your continuous tense. हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम कोई दो चीज़ों को जोड़ते हैं, हमेशा उसको जोड़ने के लिए हमें कोई word, कोई adjective, कोई चीज़ लगानी पड़ती है. So I know that been is a third form of be. I have been to London or I have never been there. लेकिन यहाँ पर in case of a past perfect continuous tense, been doesn't have a meaning of its own. इसका कोई meaning नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ एक joining का काम कर रहा है इस केस के अंदर. नाउ आफ्टर दिस इफ यू सी व्हाट इज द यूजेज ऑफ फॉर एंड सिंस. आई होप आपने अगर हमारे पहले के वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए हैं, आपने उनको देखा है, तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हम फॉर या सिंस यूज करते हैं. बट जस्ट टू ब्रीफ यू अप अगेन, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. जब हम किसी ड्यूरेशन की, किसी नंबरिंग की बात करते हैं, लाइक 2 घंटा, 4 घंटा, 2 साल, 20 साल, 2000 साल, एनीथिंग, तो उस केस में हम हमेशा फॉर यूज़ करते हैं. एंड सिंस वी यूज़ फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, किसी चीज़ के शुरू होने का समय हम बताते हैं. सुबह से बारिश हो रही थी तो सुबह बारिश शुरू हुई, या अगर मैं कहती हूँ 8 बजे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग, या वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे. लेकिन अगर उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं 5 घंटे से बारिश हो रही थी, सो इट हैड बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स. सो फॉर इज़ यूज इन केस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड सिंस इज़ यूज फॉर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम. लेट्स लुक इन टू सम एग्जाम्पल्स ताकि आपको और ये चीज़ क्लियर हो जाए. सो इफ आई से एज आई गेव द एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग
Then, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं for 2 hours, 3 hours, you can use that. Here it is, it had not been raining. Had it been raining, if it is a question, then it will be had it been raining. Or if I say, अगर मैं कहूँ कि मैं shopping, मैं पढ़ रही हूँ, I had been, मैं पढ़ रही थी, I had been studying whole day, I had not been studying whole day, had I been studying for the whole day, यहाँ पर in case of past perfect tense, perfect continuous tense, यहाँ पर एक ही helping verb है जो कि सबके साथ use होगा even with a third person singular. और tenses में हमने देखा कि third person singular के साथ हम अलग helping verbs use करते हैं. But in case of past perfect continuous tense, हम सबके साथ सारे subjects के साथ हम had को ही use करते हैं. So if I say I had been studying, right? अगर मैं I की जगह he लगा दूँ या she लगा दूँ, so it will be she had been studying whole day. She had not been studying whole day. Had she been studying for the whole day? So इस तरह से आप sentences बना सकते हैं. तो आप इसके बाद आप सेंटेंस को इसको सेशन को पॉज कर आप खुद भी अपने हिसाब से कुछ सेंटेंसेस बनाने को प्लान आउट कर सकते हैं. यू कैन प्रैक्टिस सम मोर सेंटेंसेस इन ऑल द 3 सेंटेंसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डू सम मोर एग्जांपल्स एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइजेस. सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जांपल्स एंड देन वी विल डू सम एक्सरसाइजेस सो दैट दिस इज मोर clear, it gets clearer in your mind how to use this. So if you see this picture here, you can see an old man sitting here. So let's look into the example. The old man had been sitting on the bench until it rained. हमने देखा कि जो हमारा past perfect continuous tense है वो हम use करते हैं जब दो actions की बात होती है और एक action जो हो रहा था वो रुक जाता है because of some other action which again stops in the past. So इसका मतलब है यहाँ पर हम बात करें एक old man जो कि bench पे बैठे हुए थे, बहुत देर से बैठे हुए थे तब तक जब तक बारिश हुई, till it rained. I mean, he was sitting there. He had been sitting there. So, अगर हम sentence देखते हैं, so this is a kind of a positive sentence. तो इसका अगर हम negative में बनाएंगे, तो क्या होगा? The old man had not been sitting on the bench until it rained. वो नहीं बैठे हुए थे. So, इसको अगर हमें question में change करना है, तो क्या होगा? Had the old man been sitting, क्योंकि हम जानते हैं in case of a question हमेशा जो भी हमारा helping verb होता है वो हमेशा subject से पहले चला जाता है. So the sentence will be, had the old man been sitting on the bench until it rained. I hope ये sentence आपको clear हो गया होगा. अगला sentence अगर हम देखते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोई बैठा है और वो violin बजा रहा है, right? ये कौन है? It's me, I had been practicing the violin before my dad arrived. Again, हम dad के आने से पहले मैं क्या कर रही थी? मैं violin की practice कर रही थी. I had been practicing the violin before my dad arrived. So again, this is an example of a positive sentence. इसे जब हम negative में करेंगे, so क्या हो जाएगा? I had not, we'll use not here, I had not been practicing the violin before my dad arrived. Or interrogative kya hoga? Had I been practicing the violin before my dad arrived. So ye sentence ek positive sentence hai, ye bhi ek positive sentence hai, jinhe humne negative or interrogative mein bhi change kiya. So let's look for some more examples. The next example says, my father had been trying to fix the broken pipe for an hour before we eventually called a plumber. Agar hum yahan dekhte hain, my father had been trying to fix the broken pipe. My father had been trying to fix up the broken pipe for an hour before we eventually called a plumber. Mere father ek ghante tak jo hamari pipe toot gayi thi, वाटर पाइप, उसको रिपेयर करने की, फिक्सअप करने की कोशिश कर रहे थे, बट
इवेंचुअली फाइनली हमको एक प्लम्बर को बुलाना पड़ा क्योंकि वो नहीं कर पाए, ही कुड नॉट डू इट, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है. सो अगैन दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉजिटिव सेंटेंस. इसको नेगेटिव अगर हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, माई फादर हैड नॉट बीन ट्राइंग टू फिक्स अप द ब्रोकन पाइप, एंड द क्वेश्चन विल बी हैड माई फादर बीन ट्राइंग टू फिक्स द ब्रोकन पाइप, राइट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज हैडन दे बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्या वो ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे. यहाँ पर अगर हम देखते हैं देर इज़ अ ट्रेन और वो वेट कर रहे हैं, सो क्वेश्चन है दिस इज हैडन्ट दे बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, क्वेश्चन है. लेकिन यहाँ पर ये एक तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन किया गया है, क्या वो ट्रेन का इंतज़ार नहीं कर रहे थे. कभी कभी हम इस तरह से भी क्वेश्चन करते हैं, क्या वो इंतज़ार कर रहे थे, हैड दे बीन वेटिंग, और कभी कभी हम बोल सकते हैं क्या वो इंतज़ार नहीं कर रहे थे. सो हैडन दे बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, सो इसका एक पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन. नेगेटिव विल बी दे हैडन्ट बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन. नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज How long had you been learning English before you moved to USA? हम जानते हैं कि जब हम US जाते हैं या कोई भी English speaking country जाते हैं तो हमको being English the first language में English सीखना पड़ता है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं How long, कितने समय तक had you been learning English? तुम कितने समय तक English सीख रही थी before you moved to US? US जाने से पहले तुम कितने समय तक, कितने महीनों तक या कितने दिनों तक या कितने वक्त तक इंग्लिश सीख रही थी. हाउ लॉन्ग हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश बिफोर यू मूव टू US, राइट. तो यहाँ पर ये एक तरह का इंटरोगेटिव सेंटेंस है. इसको अगर हम पॉजिटिव में करेंगे सो यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश, interrogative is already given, negative is you had not been learning English or you hadn't been learning English before going to US. Now if you see the next example here, Henry had not been watching television before you called him. जब तुमने उसे कॉल किया उससे पहले वो टीवी नहीं देख रहा था. यहाँ पर अगर हम देखते हैं we don't see a picture here on the television, right? So maybe he's playing some video game or he's just turning on and off the television. So Henry had not been watching television before you called him. So this is because it is a not, so it is a negative sentence. So iska positive sentence kya hoga? Henry had been watching television before you called him. जब तुमने कॉल किया उससे पहले वो टेलीविज़न देख रहा था. और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हैड हेनरी बीन वॉचिंग टेलीविज़न बिफोर यू कॉल्ड हिम, क्या वो टीवी देख रहा था जब आपने उसे कॉल किया या उससे पहले. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स दैट वी हैव डन. आप इसके अलावा अपने आप भी कुछ एग्जाम्पल्स बना सकते हैं और उनको तीनों फॉर्म्स में, तीनों क्वेश्चंस में, तीनों सेंटेंसेस फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं. सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज नाउ टू चेक हाउ मच यू हैव लर्नड, राइट. सो हियर इज द एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन सेज पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म दैट इज योर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. सो लेट्स पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म्स एंड लेट्स डू देम. वी डैश फॉर 12 आवर्स व्हेन ही वोक अस अप. यहाँ पे वर्ब हमें क्या दिया है, स्लीप. हमें इस वर्ब को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में डालना है. सो इट विल बी वी. पास्ट परफेक्ट के लिए क्या होगा, हैड, राइट. Then been, right. So we had and then sleep with ing. We had been sleeping for 12 hours before he woke us up. हम 12 घंटे से सो रहे थे जब उसने हमें उठाया. He woke us up, right. आप 12 घंटे से सो रहे थे. Next sentence is they wait. The verb here is wait.
at the station for 90 minutes when the train finally arrived. वो 90 minutes से train का कर रहे थे जब train आई. So they had been wait. So the verb is wait, right? So it will be in the ing form. They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived. The next sentence is we look for. Look for ka matlab hota hai dhoondna, searching for, hunting for, you can say anything. We look for dash her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom. Hum uski jo ring hai 2 ghante se dhoond rahe the. So we had been, right? We had been, then the verb in the ing form, looking for. So we had been looking for her ring for 2 hours and then we found it in the bathroom. The next sentence is I and not walk. So here they have given us not, so we have to do it in a negative sentence, right? I not walk. Then the sentence is for a long time when it suddenly began to rain. मैं बहुत देर तक नहीं चला था, बहुत समय तक नहीं चला था कि अचानक बारिश शुरू हो गई. So I had not been walking, right? यही फॉर्मेट है. अगर आप देखें, हमने जो फॉर्मूलाज या सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे थे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, not been walking, right? Verb. So I had not been walking for a long time when it suddenly began to rain. मैं बहुत समय से नहीं चल रहा था, means मैंने अभी अभी चलना शुरू किया था, ज़्यादा देर नहीं हुई थी मुझे चलते हुए, कि अचानक बारिश शुरू हो गई, right? So let's go ahead. Now the question is, how long learn she English before she went to London? So, वो कितने समय से इंग्लिश सीख रही थी जब वो लंदन गई. So, हम जानते हैं ये एक हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है. So, सबसे पहले हमारा क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, राइट? हाउ लॉन्ग हैड एंड द सब्जेक्ट इज शी. हाउ लॉन्ग हैड शी. देन वी हैव इज बीन एंड देन द वर्ब विद द आई एन जी फॉर्म. हाउ लॉन्ग हैड शी बीन लर्निंग इंग्लिश before she went to London, right? Next sentence says Frank Sinatra caught the flu because she sang dash in the rain too long. Frank Sinatra ko cold ho gaya. Kyun? Kyunki wo barish mein bahut samay tak gana ga raha tha, obviously. So he had been. And then we have the verb in ing, that is singing in the rain too long. He drive less than an hour when he ran out of petrol. Oh my God, मान लीजिए कि वो अपनी girlfriend को घुमाने ले गया long drive पे, लेकिन अभी एक घंटा भी नहीं हुआ था कि अचानक से उसका he ran out of petrol. Out of means, ran out of means finished, ended. So how embarrassing it would have been for him. उसके लिए बहुत embarrassing हो गया होगा situation अपनी girlfriend के सामने. So he had been driving less than an hour when he ran out of petrol, right? The next sentence is they were very tired in the evening because they dash on the farm all day. वो पूरा दिन, आई मीन बाय इवनिंग, इन द इवनिंग वो बहुत थके हुए थे क्योंकि दे हेल्प ऑन द फार्म ऑल डे. उन्होंने पूरा दिन फार्म में हेल्प किया. सो दे हैड या बीन देन हेल्पिंग. सो दे हैड बीन हेल्पिंग ऑन द फार्म फॉर द होल डे. Right, so here we have is your this sentence. Next sentence is I not work all day, so I wasn't tired and went to disco at night. मैं पूरा दिन काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं थका हुआ नहीं था, इसलिए मैं डिस्को चला गया या चली गई. So
बिकॉज इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस राइट. नॉट है तो हमारा नेगेटिव होगा यहाँ पे. सो आई हैड नॉट बीन वर्किंग ऑल डे. सो आई वॉजंट टायर्ड एंड वेंट टू द डिस्को एट नाइट. द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे साइकिल ऑल डे सो देयर लेग्स वर सोर इन द इवनिंग. उन्होंने बहुत ज़्यादा साइकिल चलाई उसके लिए उनके पैर जो थे वो जख्मी हो गए, उसमें छाले पड़ गए राइट. सो दे हैड बीन साइकिलिंग ऑल डे सो देयर लेग्स वर सोर इन द इवनिंग. Now we have another kind of questions here. Read the situations and then you have to rewrite the sentences. Aapko sentences ko dobara likhna hai. Tom was watching television. He was feeling very tired. Tom jo hai wo television dekh raha tha aur wo bahut zyada thaka hua mehsoos kar raha hai. So aisa kyun hua? Because he had been studying hard all day because he had been studying hard all day, or rather than he we can even say Tom right. So Tom had been studying hard all day. So is tarah se aap aur sentences ko bhi try kar sakte hain. Jaise the two boys came into the house, one had a black eye and the other had a cut lip. दो लड़के कमरे के अंदर हाउस के अंदर आए, घर के अंदर आए, उसमें से एक जो था उसकी ब्लैक आई थी. मतलब आप समझ सकते हैं, आपने देखा होगा फिल्म्स में या कार्टून्स में जब कैरेक्टर को मार पड़ती है एक आँख ब्लैक हो जाती है. सो वन हैड अ ब्लैक आई एंड द अदर हैड अ कट लिप, और दूसरे का जो लिप था वो कटा हुआ था. सो ऐसा क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली दे फाइट. सो द थिंग इज दे हैड बीन फाइटिंग, वो लड़ रहे थे, इस वजह से उनको चोट लग गई. एंड उसके बाद उनको एक का ब्लैक आई हो गया और दूसरे का कट लिप हो गया. सो लेट्स डू सम मोर सेंटेंसेस लाइक दिस. सो लेट्स लुक इन टू द एग्जाम्पल हेयर. अनदर वन, व्हेन आई वॉक्ड इन टू द रूम इट वॉज एम्प्टी. मैं जब कमरे में आई तो कमरा खाली था, बट इट स्मेल्ट ऑफ सिगरेट्स, लेकिन वहाँ पर सिगरेट्स की स्मेल आ रही. अगर आप स्मोक नहीं करते हैं तो आपको एकदम से पता चल जाता है कि अगर किसी ने स्मोक किया हो वहाँ पर. सो दैट मीन्स वो क्यों आ रही थी? बिकॉज समवन हैड बीन स्मोकिंग इन द रूम, क्योंकि कमरे में कोई स्मोक कर रहा था राइट. Here is another one. Then Mary came in. When Mary came from the beach, she was red from the sun. जब Mary beach से वापस आई तो वो red थी. Maybe वो बहुत ज़्यादा देर तक धूप में बैठी थी कि जिसकी वजह से उसका मुँह लाल हो गया था. So that means क्यों हुआ होगा? Because she had been lying. Lie. अब आप बोलेंगे कि lie तो झूठ होता है, लेकिन एक lie का मतलब लेटना भी होता है right? So she had been lying in the sun too long. बहुत समय तक वो सूरज के नीचे बीच पे लेटी होगी, इसलिए इस वजह से वो लाल हो गई. So the last sentence says, Anne woke up in the middle of the night. She was frightened and she did not know where she was. And जब रात को जागी तो वो बहुत डर गई थी, डरी हुई थी, और उसे ये realize नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पर है. उसे realize नहीं हो रहा था कि वो कहाँ पर है. So that means उसने शायद कोई dream देखा था. So that means she had been dreaming. वो कोई सपना देख रही थी, वो किसी ड्रीम में थी, तो जब वो जागी उसे पता नहीं चला वो कहाँ पर थी. सो दीज वर सम एग्जाम्पल्स एंड सम एक्सरसाइजेस टू चेक ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. आई होप यू वुड हैव लर्नड
the past perfect continuous tense clearly now. But if you have some queries, some questions, you can contact us on our website. You can contact us on our videos. Please send your feedbacks and your queries on this. Thank you.